बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद नंद कुमार साय के पार्टी के वर्तमान स्थिति और प्रदेश नेतृत्व पर किए गए कमेंट के बाद अब कार्यकर्ता भी नाराजगी जाहिर करने लगे हैं। बीजेपी के नेताओं के एक व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और बचे हुए 11 जिलों के संगठन चुनाव को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चा प्रकोष्ठ की नियुक्तियों में पुराने चेहरों की जगह अब पार्टी के कर्मठ और समर्पित नए चेहरों को मौका दिए जाने की बात लिखी जा रही है। पार्टी इसको लेकर खलबली मचने वाले इस पोस्ट को तत्काल ही डिलीट करवा दिया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि फिलहाल विष्णुदेव साय नए अध्यक्ष बने हैं, जल्द ही उनकी नई टीम का गठन किया जाएगा। वहीं जिन जिलों में संगठन के चुनाव नहीं हो पाए हैं वहां नियुक्तियां भी की जाएंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री शिव कुमार डहरिया का कहना है कि भाजपा में गुटबाजी और आपसी विवाद चरम पर है और अब वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी खुलकर बोलने लगे हैं। लगता है कि कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। वर्चुअल रैली के कारण में हम लोग थोड़ा विलंब हुए हैं। वर्चुअल रैली अब हमारी समाप्त हो गई है। लगातार कार्यक्रम पार्टी की रही है और केंद्र से लेकर के बूथ स्तर तक के कार्यक्रम किए हैं। सभी कार्यकर्ता उसमें लगे रहे, बहुत अच्छे से कार्यक्रम किए। धैर्य खोने का विषय ही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी अभी बने हैं, अब उनके हिसाब से उनकी टीम बनेगी और उस टीम के बनने में जितना समय लगना है लगना है, वाजिब है उसमें। और तो मैं कहता हूँ कि समय लग भी जाए अच्छा है, लग जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों की नियुक्ति हो और अच्छा काम खड़ा हो पार्टी का, यह आवश्यक है। आज भारतीय जनता पार्टी में उनके कार्यकर्ताओं की जो 15 साल उन लोगों ने राज किया, उन कार्यकर्ताओं की ताकत पे उन कार्यकर्ताओं की बखत अब नहीं रह गई है।